यूसुफ भाई बहुत अच्छे आदमी है, इनसे हमारा पहले भी हम लेते रहते हैं, मुल्तान मंडी पे भी इनसे हमारा रिलेशन रहता है। अच्छा, और इनमें एक खूबी वाली बात यह है कि जो सच वाली बात है ना, जी जी, उसी को मुनसर रखते हैं। बात बड़े बड़े कंडे वाले हमने देखे हैं कि उनमें बड़े बड़े गैप होते हैं जी, मगर नाम ही हम किसी का लेना चाहते हैं, मगर इनकी जो तारीफ की जाए ना, यूसुफ भाई का कंडे पे जो आता है ना, वो इस तरह का सीन नहीं होता। अच्छा, क्योंकि यूसुफ भाई को एक उम्र गुजर गई है ये काम में, जमीन सोचते जाएगा कि यार मेरे ज्यादती की है जी सर, मगर वो क्या है कि दुनियावी काम है, देखेंगे भूल जाएंगे, मगर इनको आखिर जो है वो तो है कि यार मेरे जमीर ने कह दिया कि ये गलत हुआ है जी सर। तो जहाँ पे जमीर मलामत करते ना, तो वहाँ पे समझे कि सब कुछ हमारे जानवर का मसला है, या कि हमारी फील्ड में मसला है, या कि हमारा क्या मसला है, या कि पहले ये होता था कि हम भाई वेट नहीं लेते थे, जाके जनाब जानवर का वेट किया वो कम, तो मैं तो पहले ही वो अपना 2-4-10 हजार रुपए महंगा ले गया, तो मेरी तो 15 दिन की जारी वो कमाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज बिजनेस टॉक्स ऑफिशियल। मैं हूँ आपका मेजबान एजी अज़र खान। मेरी तरफों सभी भाइयों और बुजुर्गों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो मैं पहुंचा हूं एस जी मीट कैटर फार्म, यानी कि भाई मोहम्मद यूसुफ साहब के पास लुडन मंडी में। यहां पर मैं आपको अपडेट लेकर दूंगा कंडे की, कंडे पर क्या मौजूदा रेट चल रहा है, और साथ साथ ईद के बाद क्या रेट है, ईद से पहले क्या रेट था, और नस्ल का फर्क भी होगा, बछड़ों की नस्ल का फर्क भी होता है और उनका रेट भी मुख्तलिफ होगा। तो चलते हैं भाई यूसुफ के पास, उन्हीं की जबानी सब कुछ जानेंगे, क्या रेट चल रहा है, क्या डिमांड चल रही है आजकल खेरे जानवर की और काटू जानवर की, और साथ साथ खूबसूरत बछड़े जो अच्छे हों, कुर्बानी के लिए शौक से लोग पालते हैं, उनके बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, मुकम्मल मालूमात लेकर आप तक पहुँचाते हैं। तो ये मंडी है लुडन, जहाँ पर मैं मौजूद खड़ा हूँ। लुडन मंडी में आने का रास्ता व्याड़ी, मुल्तान की सैर से आएंगे व्याड़ी भी आप आएँ, वहाँ से 10 किलोमीटर आगे, अगर उकाड़ा की सैर से आप आएंगे बुरे वाला, बुरे वाला से 42 किलोमीटर आगे लुडन मंडी है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ भाई क्या हाल है? तबीयत से ठीक है? तो आज 1.5 साल से पहले बता दें रेट भाई, 270 से 300 रेट है। नहीं, रेट नहीं, मैं पूछा डेट पूछिए और दिन भी बता दे ताकि दोस्तों को यकीन हो जाए ये कौन सी मंडी है। 19 तारीख। हाँ जी। और 5वां महीना है सर जी 2021 का। जी सर, कुर्बानी के रेट बछड़ों का खूबसूरत जैसा कि ये आपने ये दिखाया है, इसका 270 से 300 रेट है इसका। 270 से लेकर 300 रुपए दे रहे हैं। 300 रुपए वाली कौन सी क्वालिटी? ये 270 वाली है। 270 से लेकर 300 रुपए माल लेते हैं जी सर, 1200 बन जाए ऐसे माल का, ऐसे माल का माल है ये, 1400 माल है। अगर प्योर प्योर साहिवाल नस्ल का बछड़ा हो और खूबसूरत भी हो जी, जी, उसका क्या रेट होगा? 300 रुपए किलो होगा। 300 रुपए किलो रेट होगा। बगैर सींग वाला होगा? हाँ जी। डालर वाला होगा, जिसमें ये बच्चा खड़ा है। अच्छा अच्छा, ऐसे बच्चे का। बाद अगर अगर कोई दोस्त कहता है मैंने सींग वाले लेने हैं, यानी कि काटू की शक्ल में कुर्बानी पर भी लग जाए, वो 260 से 270 रुपए रेट है। 260 से 270 रुपए हो जाएगा। तो इसका वजन क्या आया? इसका वजन 285 किलो है। तो मैं आपको अपने भाइयों को दिखा सकता हूँ, ये चेक करें, ये वजन है और साथ ये रश बन चुका है, ये चेक करें यहाँ पर मंडी में क्या सूरतेहाल चल रही। तो सभी एक बछड़ करके दिखाऊंगा, ये चेक करेंगे। तो ये भाई यूसुफ साहब है, किसी तारफ के मुताबिक तो नहीं है, तो इसको निकालें जी, इसके बाद आगे और कोई बछड़ा लाएं। इसका कितने पैसे बने हैं भैया? तो साथ साथ ये भी वजात करते जाएं ताकि मेरे दोस्त मेरे व्यूअर्स को, क्योंकि आपकी तीसरी चौथी दफा ये वीडियो बन रही है यूसुफ भाई, अल्लाह खैर करेगा जी, किसी के साथ आहो। 80,000 रुपए बनता भाई, देना भाई 80,000 में, इतना फर्क नहीं है। ये दो दांत है यूसुफ भाई, ये दो दांत 80,000 रुपए मना है, लेकिन वो नहीं दे रहा, वो 90 में कह रहा है। तो आगे एक और बछड़ा आ गया, ये आगे सिंह वाला, ये काटू का रेट है, ये काटू का रेट आएगा। यूसुफ भाई एक बार मैं आपसे जानना चाहूंगा, वो बात ये है, आपको कैसे पता चल जाता है ये इसका रेट इस तरह के मुताबिक होगा? भाई जान, ये माल की क्वालिटी है, अल्हम्दुलिल्लाह आज 20 साल हो गए इस काम को करते हुए। वो तो आपकी बात ठीक है, आपको 20 साल का एक्सपीरियंस है ये जानवर खरीदने का। तो दोस्त हजरात सवाल करते हैं, ये जी भाई यूसुफ भाई के पास जाते हैं या और किसी कंडे के वालों के पास जाते हैं, तो वहाँ पर आप ये सवाल लाजमी किया करें, जैसा कि आपने बता दिया ये काटू मार है, तो आप अंदाजे के साथ कह सकते हैं या फिर जानवर की क्वालिटी चेक करते हैं? जानवर की क्वालिटी चेक करते हैं भाई। अच्छा, क्वालिटी से कम्प्रोमाइज नहीं है।
तो कंडे पर आप क्या फीस ले रहे हैं? कंडे में कुर्बानी 1000 रुपए ले रहे हैं, काटू 500 रुपए। प्यार नहीं है? 1000 रुपए ज्यादा नहीं है मेरे भाई, सफर है, खर्चा है, लेबर का खर्चा ज्यादा है। अच्छा, आपके पास लेबर भी होती है? अच्छा अच्छा, तो इसका क्या बना है? ये भाई बनता है 209 किलो वजन है। जी जी ठीक है जी, ये हमारे मतलब का जानवर नहीं है। ये आपके मतलब का नहीं है? नहीं है। मेरे जैसा गरीब आदमी आता है वो ले लेता फिर? नहीं, ये बनने वाला नहीं है, फिर दो महीने खाएगा, खर्चा खाएगा, फायदा कोई नहीं इसका। वो इस तरह का ना स्लॉटरिंग करा और बात ये बहुत बात ठीक है। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जैसा कि दर्स वाले होते हैं जी, वो खरीद लेते हैं, वो चलो जो हमारी कुर्बानी हो जाएगी। उनके रेट भाई जान ये बनता है 52,500 का। 52,500 का जी जी। अगर ये अगर इस तरह काटू को लेना चाहता है तो ये तो हम बात कर रहे हैं कुर्बानी के बछड़ों की। कुर्बानी के जो अगर जो गोश्त वाले बछड़े हैं यानी कि जैसे हम काटू माल कहते हैं ज्यादा, वो रेट क्या चल रहा है? काटू चल रहा है 250 से 260 रुपए। वो अभी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? मिल रहा है काटू। बाजू का दोस्त कहते हैं हमें तो मिलते नहीं है, ये रेट बहुत ज्यादा ले रहे हैं। नहीं, मिल रहा है। ये चेक करें ये जानवर की क्वालिटी। ओहे भाग्य जानवर माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत जानवर था भैया। भैया बारी बारी से आए, ये चेक करें माशाल्लाह जानवर चेक करें। और तुसी तो बेचना आप तो तुम्हें बेचने नाल तुलना है। लो जी ये चेक करें, ये भी 44 साल आ गए। कितना वजन है जी? 214 किलो भाई। 214 जी जी वजन चेक कर लें। इधर स्क्रीन का चेहरा 213 किलो जी, ये चेक करें ताकि दोस्तों को डाउट ना रहे। ये चेक करो जी, लोडर मंडी की सोचा। कितने पैसे बने यूसुफ भाई? 53,000 का। ये 53 कितने का देना चाचा? 500 पूरे चमन का बांध रहे। ये दो दांत है चाचा? नहीं, दो दांत है किरा है किरा। ये काटू का रेट लगाया इसको? अच्छा अच्छा, ये काटू का रेट लगाया? 55 रुपए लगाया इसका रेट। अच्छा, नहीं दिया नहीं दिया। ये गोना जानवर आ गया सर? आ गया जानवर, ये बीमार है जानवर, चेक कर लें। ये जी जी बेशक, ये चेक करें। ये बीमार है जानवर, ऐसे जानवर नहीं उम्र का आदत तुम्हारे ये सब नासी से रहा है। ये बीमार है, ये बीमार है, ये बीमार है। तो इसको आप किस रेट में लेंगे? ये जानवर हम नहीं लेते। नहीं लेते? अगर कोई दोस्त अनजान आपके पास आ गया था यूसुफ भाई जी जी। जो बात कहनी सच कहनी जी जी, सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहना। यहाँ पर मेरी हर आदमी कर रहा है मेरे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमें ये जरूरत ही नहीं है जी जी। भाई आए वो सामने भाई खड़े, उनको हमने इनकार कर दिया, माल नहीं है। अच्छा अच्छा, ये भाई आए हमारे पास माल लेने के लिए जी जी। इन्होंने अभी जानवर की परचेजिंग शुरू कर दी है। अच्छा अच्छा, एक भाई का माल पूरा, दो हमने 4 गाड़ियाँ बना चुके हैं, 5वीं अब बनानी है भाई, और सामने आएगा। ये भाई भाई, ये भाई आए। मैं इनसे पूछ सकता हूँ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अपना नाम जरा बता दें। नासिर, मैं लाहौर से हूँ। लाहौर आए है, खुशामदीद कहते हैं जी। थैंक यू। यूसुफ भाई बहुत अच्छे आदमी है, इनसे हमारा पहले भी हम लेते रहते हैं, मुल्तान मंडी पे भी इनसे हमारा रिलेशन रहता है। अच्छा, और इनमें एक खूबी वाली बात ये है कि जो सच वाली बात है ना जी जी, उसी को मुनसर रखते हैं। बात बड़े बड़े कंडे वाले हमने देखे हैं कि उनमें बड़े बड़े गैप होते हैं जी, मगर राम ही हम किसी का लेना चाहते हैं, मगर इनकी जो तारीफ की जाए ना जितनी वो कम है। तारीफ तो अल्लाह की करनी चाहिए, लेकिन जो तारीफ के काबिल हो उसकी करनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह, जैसा कि यूसुफ भाई, मैं पिछली दफा 4 माह पहले आया था, यूसुफ भाई को शायद याद होगा, कराची वाली पार्टी आई थी, क्योंकि मैं 4 माह के बाद तकरीबन अभी मैं पहुंचा लुडल मंडी में। ये भी काफी दोस्तों की ख्वाहिश थी, ए जी भाई आप जाए लुडल मंडी में, वहां पर अपडेट लेकर दें लुटन मंडी खास तौर पर, और कंडे के यूसुफ भाई की विश्वास से आई है काफी। नहीं, यूसुफ भाई इंशाल्लाह जो है, अभी मेरे पहले अभी मेरी बात हुई, अभी 18 जानवर कर रहे थे जी जी। उनके कंप्लीट होने के बाद हमारा शुरू होना था। अच्छा, हमने कहा चलो उतनी देर विजिट करके आ रहे हैं, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या फर्क महसूस किया आपने आखिर विजिट किया मंडी का? मंडी में जो है वो, इसमें पता क्या भाई, वेट लेने का फायदा ये होता है कि ना तो बेचने वाले को नुकसान होता है, ना ही खरीदने वाले को नुकसान होता है। लेकिन क्योंकि हमारा जो फार्म का मसला होता है ना, तो हमने देखना होता है कि हमारी पर वेट पर डे कितनी एवरेज आ रही है जी। ऐसे ही ऐसे ही, तो अगर हम वो पर डे वेट की एवरेज कोई नहीं गेन करेंगे जी, तो मुझे से इधर से मैं अगर जानवर ले लेता हूँ, मैंने तो अपना भाई वेट सेल करना चाहते जी जी। तो भाई वेट जब सेल करना है तो मुझे भाई वेट ही फायदा देगा, दूसरा नहीं फायदा जी। ये तो बात ठीक है, लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। आप इधर वजन के साथ से खरीद तो रहे हैं जी जी, लेकिन साथ ये चेक कर रहे हैं ये जानवर जो दोस्त हजरात लेकर आते हैं, बाद दफा ये मुल्तान मंडी अक्सर मशहूर हो चुकी है कि पानी के वाले, लेकिन अभी के शायद नहीं पता। वो मेरी बात, वो यूसुफ भाई से सवाल मैं करूंगा। हाँ, वो सिर्फ बातें करने वाली है, मगर यूसुफ भाई के कंडे पे जो आता है ना, वो इस तरह का सीन नहीं होता।
अच्छा, तो क्या यूसुफ भाई को एक उम्र गुजर गई है ये काम करते हुए? नहीं, उनका तजर्बा भी और दाढ़ी भी शायद हो चुकी है, ये चेक कर सकते हैं। यूसुफ भाई बहुत बोले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने इज्जत दी, एक शान दी है। मैं यूसुफ भाई, इज्जत देने वाली है अल्लाह की ज़ात, अगर आपने इज्जत गवानी है ये स्किंडों में दूर भी हो जाती, खत्म हो जाती है, बनाने के लिए यूसुफ भाई टाइम लगता है, सारी जिंदगी लगी, अभी भी कोशिश कर रही है। तो अगर आप इज्जत को कायम रखना चाहते हैं तो मैं अपने भाई यूसुफ साहब से भी कहूंगा कि जो भी आए फार्मर ना, उनके साथ ज्यादती ना हो, क्यों दुख होता है, मुझे होता है खासतौर, क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूँ और अक्सर लोग जो बाहर के मुल्क में बैठे होते हैं ना, जैसा कि अमेरिका, अपने इंग्लैंड और सऊदी अरब और भी अदर मुल्क कंट्री है, तो उधर बैठे हैं, वो देते कारोबार छोड़ कर आते हैं, तो आते कुछ तो लोग सोना सेल कर देते हैं, कुछ अपने उधर नौकरी छोड़ कर आते हैं, आते जब उनके साथ ज्यादती होती है ना यूसुफ भाई, तो दर्द इधर होता है। मेरे भाई, हमने ये काम नहीं किया, जमीर इनका भी उस चीज पे जाएगा कि यार मेरे ज्यादती की है जी सर, मगर वो क्या है कि दुनियावी काम है, देखेंगे भूल जाएंगे, मगर इनको आखिर जो है वो तो है कि यार मेरे जमीर ने कह दिया कि ये गलत हुआ है जी सर, तो जहाँ पे जमीर मलामत कर देना तो वहाँ पे समझे कि सब कुछ फिर बंजाम को खत्म करना पड़ता है। अच्छा, ये कि आप फार्मिंग कब से कर रहे हैं? मैं तकरीबन 2006 से फार्मिंग कर रहा हूँ। 2006 से आप फार्मिंग कर रहे हैं, बछड़ा फार्मिंग कर रहे हैं? फैटनिंग में किया है और डेयरी में भी किया है। मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा, यूसुफ भाई भी साथ ही खड़े हैं, यूसुफ भाई आप इधर ही आ जाएं, उस भाई के पास ही आ जाएं। सवाल मेरा पहला आपसे ये है, क्योंकि आप 2006 से फार्मिंग कर रहे हैं, तो उससे पहले आप कंडे भरने जाना लेते थे उसमें, तो अब में क्या फर्क है? अब मैं वही जो मैंने बताया कि जब हम जाके एवरेज वेट जाके कैलकुलेट करते थे ना जी सर, तो हमें एवरेज वेट नहीं वो मिलता था, हम देखते थे यार हमने 3 माह पहले मैंने अपने फार्म पे कंडा रखा हुआ है। अच्छा सर, तो मैं भाई वेट जो है वो रोजाना तकरीबन दूसरे दिन तीसरे दिन हम जानवरों को चेक कर रहे होते हैं जी सर, कि किसका वेट हमारी एवरेज वेट से कम वेट गेन कर रहा है जी सर, तो फिर हम देखते हैं कि यार आया हमारे जानवर का मसला है या कि हमारी फीड में मसला है या कि हमारा क्या मसला है, या कि पहले ये होता था कि हम भाई वेट नहीं लेते थे, जाके जनाब जानवर का वेट किया वो कम, तो मैं तो पहले ही वो अपना 2-4-10 हजार रुपए महंगा ले गया, तो मेरी तो 15 दिन की सारी वो कमाई वहाँ पे चली गई। ये तो बात ठीक कर रहे हैं। तो मुझे ये पता है कि यार मैंने ये लेना और ये मेरे लिए हलाल है, बेशक मैं वही अपनी रोजी रखनी है और चलाते जाना काम। अच्छा अच्छा, बेशक जी, ये बात आपकी ठीक है। यूसुफ भाई आप क्या माइंड रखते हैं? मैं सवाल वही दोहराना चाहता हूँ जो दोस्त, अभी अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश इसीलिए काम शुरू किया था, लोग कांटे पे आए बदल करके ले माल और तैयार करें और हमारे जो पाकिस्तानी कौम है इसको फायदा मिलना चाहिए, जो हमारा फार्मर इसको फायदा मिलना चाहिए और हमारे लाइफ स्टाइल का काम बढ़ना चाहिए जी, बेशक। अभी भी कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला इसको बढ़ाए और काफी हमारा काम हद तक बढ़ चुका है। पहले पाकिस्तान में किसी बंदे के पास शौक नहीं था, मैंने लोगों को मेहनत करके इस काम पे लेके आए, अब फार्म भी हमारे बहुत बन चुके हैं पाकिस्तान में, अब कोशिश ये कर रहे हैं हमारे पास जो कैपेसिटी है माल के स्लॉटिंग के माल के, वो पीछे से माल कम आ रहा है क्योंकि हमारे पास डेयरी के फार्म कम हो चुके हैं, बैठने के ज्यादा हो रहे हैं, डेयरी के कम होते जा रहे हैं, अब डेयरी से पीछे बच्चा आएगा तो आगे बढ़ा होगा। ये तो बात ठीक है, मेरे गवर्नमेंट से गुजारिश है कि हमारी जो मादा वो ज़बा ना की जाए, ये अक्सर हो रही है, ये ज़बा हमारी मादा ना की जाए, ये गवर्नमेंट से गुजारिश है, अल्लाह ताला इसके ऊपर सब बंदे जितने भी हैं ये कोशिश करें ताकि हमारे मुल्क का ये पहिया चलता रहे। मैं यूसुफ भाई एक और सवाल आपसे करना, आपके चैनल के तवज्जो से हमारी भी यही इल्तिजा है कि ये गवर्नमेंट ने कानून लाइफ स्टॉक ने पहले ही बनाए हुए हैं जी सर, उनके ऊपर पाबंदी नहीं है, तो गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की जाए ताकि जो है ये क्या है, ये अगर माता बचेगी तो किसका फायदा है, हमारे बच्चों का फायदा जी जी, फ्यूचर हमारा सेव होगा, ये तो मेरी औलाद है या मेरे जो बहन भाई हैं, मैं तो जाऊंगा खत्म हो जाऊंगा, मेरा फ्यूचर जो है वो रहेगा, इसी तरह ये अगर माता बचेगी तो हमारा फ्यूचर, बेशक, तो अगर माता का जो बेबी नहीं बचेगा तो अगली बात है फिर एक वक्त आएगा कि हैंड टू माउथ हो जाएंगे हम। ये तो बात आप ठीक है, कराची में तो ऐसे हो रहा है, शायद आपने देखी हुई एयर वाइपर वीडियो भी, हाँ जी, तो वहाँ पर भी छोटे बछड़ों को छोटे कट्टों को बकरा समझकर ज़बह किया जा रहा है। कराची में जो एक और खामी है ना, वो खामी ये है कि जब पंजाब से जानवर जा रहा होता है ना जी जी, तो वो यहाँ पे तो अडल्ट तो लेके जा रहे होते हैं जी सर, भैंस लेके जा रहे हैं ज्यादा, मगर वो बच्चे तो वहीं पे छोड़ जाते हैं, तो ये हमें चाहिए कि हम कोई परवरिश करें, ना कि हम यहाँ पंजाब में के अंदर भी स्लॉटर हाउस पे ले जाएं जी जी, बेशक, क्योंकि सिंध एक अपना एक मुख्तार अदारा है। तो अभी आखिरी सवाल, तो अब मेरे दोस्तों को, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको क्या कहें, यहाँ आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, आए हमारे पास काम सीखें,
हमें से बेशक माल ना लें, ताकि वो माल की मालूमात लें। हमने कभी जिंदगी में गलत माल नहीं लिया, गलत जानवर नहीं लिया। अभी बीमार जानवर आया था, मैंने कहा बीमार जानवर उतार दो इसको, नहीं किसी के साथ ज्यादती हुई तो फिर नहीं होगी इंशाल्लाह। ये अगर मेरे जरिए कोई दोस्त हजरात आते हैं जिसको माल पसंद आए ले ले, नहीं पसंद आए छोड़ जाए माल। जी थैंक यू सर। इस मंडी का एक और बहुत मैंने यूसुफ भाई का देखा कि अगर आप लाहौर चले जाए ना तो कह दें कि यार मैंने कंडे पे बेट पे लेना है, जी जी, तो वो जो कंडे पे चढ़ा दिया ना वो तुम्हें खरीदना पड़ेगा। लाहौर में इस तरह है, मगर यहाँ पे ये नहीं है, पसंद आए तो ठीक है, नहीं तो भाई निकल। जी थैंक यू सर। वीडियो काफी लंबी होगी है, यूसुफ भाई का टाइम जाया किया है। यूसुफ भाई टाइम नहीं किया, आप ये भी अपना ही जो है एक कह लें कि अपना एक अमल दखल इस फ्यूचर में डाल रहे हैं। जी जी सर, ये भी एक अगर देखिए शऊर मिल जाए तो ये भी एक इबादत है। बेशक जी, बात आपकी ठीक है, लेकिन मैं यही चाहता हूँ ना मेरे दोस्त यहाँ पर आए और जो फार्मिंग हजरात कर रहे हैं फार्मिंग, उनको भी फायदा हो जाए। जैसा कि आप 2006 से कर रहे हैं, आपने सभी की इज्जत बयान कर दी है, तो दोस्तों से गुजारिश करना चाहूंगा आए यूसुफ भाई के पास आए, आपने तसल्ली करें, मंडी का विजिट करें, उसके बाद यूसुफ भाई के पास आए। हम तो इसके पास से कभी नहीं चैनल के मतलब भी बता जाएंगे। मेरा चैनल सभी को पता है, एजी अजहर खान, सभी रिपीट कर दीजिए ना। तो चैनल का नाम है बिजनेस टॉक्स ऑफिशियल, मैं आपकी वीडियो देखता रहता हूँ। तो फिर परेशानी की अभी आपको तारा अभी चेहरे से भी हो सके, अब पहचान जाएंगे। तो मास्क लगाया था जे, ये कर दो बार के में खराब है जी। ठीक है जी, काम करें जी, करें। तो ये भाई यूसुफ साहब का नंबर है, ये तस्वीर में भी मैंने लगा दिया। यूसुफ भाई आपने जबानी अपने नंबर बता दें। 0301 अच्छा 7473619 जी, ठीक हो गया यूसुफ भाई, ये काम चेक करें जी पहले। उसके साथ साथ ये आपको व्यूज दिखा रहे हैं, यूसुफ भाई ने बहुत अच्छी बातें की आज, तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाजमी लाइक करें, तो शेयर करें। इसका भी आपको वजन दिखाते हैं, तो क्या वजन है इसका, क्या रेट चलेगा, यूसुफ भाई से भी जानेंगे क्या। ये देखिए दो बछड़े का वजन आया 274, 75, 77। हाथ पीछे करो भाई, हाथ पीछे करो, 73, 72, 73। किलो है 273, क्या रेट चला रही है? 235 रुपए, 235 रुपए, 235 छोटा बड़ा 235। कितने पैसे बनेंगे इसके? 273, 235, 64,000 का, यानी कि 32-33,000 में ये पड़ेंगे। तो ये देख सकते हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, दो में याद रखें। तो इजाजत दीजिए अपने भाई को, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।